नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर में आपका स्वागत है। ये है पार्ट टू ऑफ एंटीरियर नी पेन फॉलोइंग नी रिप्लेसमेंट। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने क्यू एंगल की बात की और कंपोनेंट पोजीशन की बात की, खासकर फीमर की। तो आज हम बात करेंगे टिबियल प्रोस्थेसिस के पोजीशन की। तो प्रेफर्ड रोटेशन क्या होता है टिबियल कंपोनेंट का? वो होता है न्यूट्रल विद नो इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन। बट मैं थोड़ा एक्सटर्नल रोटेशन पर्सनली प्रेफर करता हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। द बेस्ट वे टू ऑब्टेन दिस इज टिबियल कंपोनेंट को सेंटर करना चाहिए। टिबियल ट्यूबरोसिटी अगर आप देखें तो मीडियल 1/3 में, टिबियल ट्यूबरकल को अगर आप 3 हिस्सों में डिवाइड करते हो तो मीडियल 1/3 में सेंटर ऑफ टिबिया आपको फोकस करना चाहिए सीमेंटिंग के टाइम। तो इसमें अगर ऐसे आप पोजीशन करें तो थोड़ा पोर्शन पोस्टीरोमीडियल टिबिया का अनकवर्ड रह सकता है और सब ओवरहैंग हो सकता है प्रोस्थेसिस का ऑन द पोस्टीरो लैटरल टिबिया। एज फार एज पॉसिबल ओवरहैंग प्रोस्थेसिस का, दैट मीन्स के प्रोस्थेसिस थोड़ा सा बोन के बाहर रहती है, ये अवॉइड करना चाहिए। मीडियली तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, लैटरली फिर भी पेशेंट टॉलरेट कर लेता है। मीडियल अगर ओवरहैंग है तो आपको ट्रे रीपोजिशन करना चाहिए या एक साइज छोटा करना चाहिए। इंटरनल रोटेशन टिबियल कंपोनेंट का इफेक्टिवली टिबियल ट्यूबरकल को एक्सटर्नली रोटेट कर देता है और क्यू एंगल इंक्रीज हो जाता है। मीडियलाइजेशन ऑफ टिबिया ऑल्सो विल इंक्रीज क्यू एंगल। टिबिया को भी लैटरलाइज करना चाहिए जैसे हम फीमर कंपोनेंट को लैटरलाइज करते हैं। अब हम चलते हैं पटेला प्रोस्थेसिस पे। प्रेफर्ड पोजीशन होता है पटेला प्रोस्थेसिस का सेंट्रल ओवर पटेला या मीडियलाइज्ड। मैं पर्सनली थोड़ा मीडियलाइज करता हूँ पटेलर बटन को, इससे क्यू एंगल डिक्रीज हो जाता है और थोड़ा सा अनकवरेज होता है लैटरल फेसेट को, जो आप निबलर से निकाल सकते हो, नहीं तो लैटरल फेसेट सिंड्रोम हो सकता है। दूसरा ऑल्टरनेटिव है टू यूज अ ओवल शेप पटेला विद एपेक्स मीडियलाइज। अगर आप पटेला को लैटरलाइज करते हो तो क्यू एंगल इंक्रीज हो जाएगा और पटेला की माल ट्रैकिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। इंट्रा ऑपरेटिव लैटरल सबलक्सेशन अगर पटेला का हो रहा है तो एक टाइम आप टूर्निके डिफ्लेट करके फिर से चेक कर सकते हो। अगर उसके बावजूद मैल ट्रैकिंग हो रहा है तो आप थोड़े से सूचर्स लेके फिर नी बेंड करके देख सकते हो, लेकिन अगर ट्रैकिंग बराबर नहीं है तो हमें लैटरल रिलीज करनी चाहिए ताकि पटेला इजीली और कंफर्टेबली ट्रॉक्लिया में ग्लाइड होए और कोई पटेला मैल ट्रैकिंग नहीं होए। तो इंडिकेशंस रीसरफेसिंग ऑफ पटेला के क्या हैं? एब्सोल्यूट इंडिकेशंस है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, अगर पटेला माल ट्रैक हो रहा है तो करना चाहिए, और पटेलोफिमोरल आर्थराइटिस अगर बहुत सीवियर है तो भी ये इंडिकेशन होती है रीसरफेसिंग की। बट ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं पर्सनली रीसरफेस नहीं करता हूँ पटेला को इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस। अगर आपका इम्प्लांट पटेला फ्रेंडली है तो आप ये रिस्क ले सकते हो। तो ऑप्शंस क्या है रीसरफेसिंग का ड्यूरिंग नी रिप्लेसमेंट? या तो आप ऑलवेज रीसरफेस करो या तो कभी भी रीसरफेस नहीं करो। कई लोग पटेलोप्लास्टी करते हैं, मार्जिनल ऑस्टिफाइड निकाल देते हैं पटेला का और रीशेप करते हैं पटेला को, सिलेक्टिव रीसरफेसिंग करते हैं। तो कई कॉन्ट्रोवर्सीज है पटेला सर्फेसिंग और रीसरफेसिंग में, बट ये आई थिंक इम्प्लांट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपके इम्प्लांट का ट्रॉक्लियर डिज़ाइन फ्रेंडली है, पटेला फ्रेंडली, जैसे कि एंटीरियर फ्लैंज पतली है और एनाटॉमिक ट्रॉक्लियर ग्रूव है, तो आप विदाउट रीसरफेसिंग भी काम चला सकते हो और पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते। इन पेशेंट्स में भी पटेला ट्रैकिंग परफेक्ट होनी चाहिए, अगर जरा भी माल ट्रैकिंग है तो फिर रीसरफेसिंग करना बेटर होता है। तो क्लिनिकल और सर्जिकल पर्ल्स हैं मेरे पास 6। तो फिमोरल कंपोनेंट को स्लाइट एक्सटर्नल रोटेशन में रखना चाहिए या पैरेलल टू द ट्रांस एपिकॉन्डाइलर एक्सिस।
कंपोनेंट रोटेशन को कंफर्म करना चाहिए सेकेंडरी लैंडमार्क से, इंक्लूडिंग लियो वाइड साइड लाइन और पोस्टीरियर कॉन्डाइलर एक्सेस। टिबियल कंपोनेंट को एक्सटर्नली रोटेट करना चाहिए और मीडियल 1/3 टिबियल ट्यूबरकल पे सेंटर करना चाहिए। ओवरऑल पटेला का थिकनेस मेंटेन करना चाहिए। अगर आप 9 मिलीमीटर बटन डाल रहे हैं तो आपको 9 मिलीमीटर बोन निकालना चाहिए। आप 8 मिलीमीटर बोन निकाल के 10 मिलीमीटर बटन डालोगे तो नी फ्लेक्शन लिमिटेड हो जाएगी और पटेला ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। रिविजन नी रिप्लेसमेंट में एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स चेंज्ड या डिस्टॉर्टेड होते हैं, तो इसमें ज़्यादा करके हम ट्रांस एपिकोंडाइलर एक्सेस ही यूज़ करते हैं कॉम्पोनेंट रोटेशन के लिए। पोस्टीरियर लैटरल ऑगमेंटेशन नेसेसरी होता है रिविजन नी रिप्लेसमेंट में, ताकि आप इंटरनली रोटेट नहीं करें कॉम्पोनेंट। अगर आप ये यूज़ करते हो तो अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल रोटेशन अचीव हो जाता है। और थोड़ी चीज़ों पे गौर करना चाहिए जहाँ सर्जिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं। अगर तो लैटरल फिमोरल कॉन्डाइल हाइपोप्लास्टिक है तो पोस्टीरियर कॉन्डाइलर एक्सेस नहीं यूज़ करना चाहिए रेफरेंसिंग के लिए, नहीं तो कंपोनेंट आपका फीमर का इंटरनल रोटेशन में चला जाएगा। एंटीरियराइजेशन फिमोरल कंपोनेंट का अगर करेंगे रिवीजन आर्थ्रोप्लास्टी में तो ओवर स्टफिंग हो जाएगा पेटेलो फिमोरल ज्वाइंट का और मैल ट्रैकिंग और पेटेलर पेन एंटीरियर नी पेन हो सकता है। आपको जॉइंट लाइन रिस्टोर करने में केयर लेना चाहिए। ज़्यादा पटेलर इंसर्ट थिक नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर फीमर डेफिशिएंट है तो फीमर को डिस्टलाइज करना चाहिए। जॉइंट लाइन अगर आप मेंटेन करते हो तो कम प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर आपका फिमोरल कंपोनेंट मैल रोटेटेड है और आप लैटरल रिलीज करते हो तो ये सक्सेसफुल नहीं होएगा, क्योंकि अगर क्यू एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो लैटरल रिलीज से भी पटेला मैल ट्रैकिंग परसिस्ट करेगी। तो अगर आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है एंटीरियर नी पेन के साथ और आपको लगता है पटेला मैल ट्रैकिंग है तो यह एल्गोरिदम आपको यूज़ करना चाहिए। अगर तो फिजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल है, एक्सरे और सीटी स्कैन नॉर्मल है तो फिजिकल थेरेपी करना चाहिए, मसल स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर एक्सरे में पटेलर टिल्ट या लैटरल सबलक्सेशन है माइल्ड और नॉर्मल सीटी स्कैन है तो लैटरल रिलीज और प्रॉक्सिमल रीअलाइनमेंट करना चाहिए। अगर एबनॉर्मल रेडियोग्राफ्स और सीटी स्कैन है तो आपको रिविजन आर्थ्रोप्लास्टी करना पड़ेगा, आपको कंपोनेंट की पोजीशन बराबर करनी पड़ेगी, नहीं तो ये पेशेंट कभी भी खुश नहीं होगा। तो ये एल्गोरिदम का स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो अगर आप डॉक्टर हो या मेडिकल स्टूडेंट हो, ये बहुत ही यूज़फुल है। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।